हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और मेरा एक नया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं गरु वतन जा रहा हूँ, तो गरु वतन का वीडियो मैं अपलोड करूँगा। तो काफ़ी अच्छा आपका टूरिस्ट प्लेस है, पिकनिक स्पॉट्स भी बोल सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा लोकेशंस है, तो हमारे साथ बने रहिए और वीडियो तो अंत तक ज़रूर देखें। जस्ट हम लोग अभी ओदलाबड़ी पार हो रहे हैं। ये ओदलाबड़ी मार्केट ही है। ओदलाबड़ी क्रॉस हो जाएंगे फिर डामडिंग पहुँचेंगे। फिर डामडिंग से आपका लेफ्ट टर्न हो गया, हम लोग को गरु वतन जाना पड़ेगा। ये ओदलाबड़ी फ्लाईओवर जस्ट ये लास्ट मंथ ही ओपन हुआ है। तो यहाँ से काफ़ी अच्छा नज़ारा है, मतलब बड़ी चेल गेट में बना हुआ है। हम लोग अभी डमडिम पहुँचे। ये आपका डमडिम का मोड है। यहाँ से आपका लेफ्ट टर्न लेके जाना पड़ेगा हम लोग को गरु वतन। ये शैली हट है, डामडिम से लगभग 3 किलोमीटर है शैली हट। ये मैम ग्लास टी गार्डन, मैम ग्लास फैक्ट्री सामने ही है, मैम ग्लास हॉस्पिटल। ये मैम ग्लास है, मैम ग्लास से लगभग 5 किलोमीटर है गरु वतन। काफ़ी इरिगेशन भी हो रहा है, टी गार्डन काफ़ी हरा भरा है। फुल छुट्टी हुआ होगा अभी, कॉलेज है। गंदगी का कोई निशान ही नहीं मिलेगा।
यहाँ से अंदर है जुद्धावीर स्कूल, जहाँ पे हम लोग आता था एमपी एग्जाम देने के लिए। हाँ, यहाँ पे हमारे सामने सोमारी बाज़ार लगता है, और ये रास्ता सीधा ले जाता है लावा, यहाँ से भी जा सकता है और कालिम्पोंग होके भी जा सकता है। तो मार्केट ही रहेगा वो अंदर। चेंजेस आ गया लेकिन अभी पहले के मुकाबले। यहाँ ऊपर में हॉस्पिटल है। हाँ, काफ़ी अच्छा पिकनिक स्पॉट है। गाड़ी लेगा उधर, ये ऊपर जा क्या होगी वहाँ पे, वो है हम लोग मंदिर था ना एक मोक्ष का मंदिर, वहीं पे जाके आता है फिर इधर रखें ना, ऊपर जाके आते हैं उधर। हाँ, कौन सा रखी गार्डन है उधर में, ये टेम्पल कंसर दिया क्या आगे तो दूसरा होता है तो। करके रखा हुआ यहाँ पे देख सकते हैं, इधर भी वैसे वापस जाना पड़ेगा पूरा किया हुआ सोपाड़ी का। इस साइड से ऊपर में लावा, ये फागुटी स्टेट फागुटी गार्डन का फैक्ट्री है। हाँ, तो ये पूरा गरुबथन का पिकनिक स्पॉट्स है। इस साइड में तो सामने नदी भी है। तो अभी हम लोग जस्ट थोड़ा सा यहाँ पे रुकेंगे फिर निकल जाएंगे यहाँ से, तो देख सकते सामने ब्रिज भी है, इधर नदी है सामने। तो ये पूरा गरुबथन का एरिया पूरा पहाड़ में ही बसा हुआ है, सामने देखिए पहाड़ ही है। तो हम लोग ज़्यादा देर ना करेंगे, फिर यहाँ से उसके बाद में हम लोग उधर जाएंगे जहाँ पे गरुबथन का आई लव गरुबथन लिखा हुआ है, वहाँ पे जाएंगे फिर वहाँ से निकल जाएंगे। काफ़ी
काफ़ी लोग भी आया हुआ है, काफ़ी लोग आया हुआ है घूमने के लिए। तो बहुत अच्छा लोकेशन है, तो इधर टूरिस्ट भी बहुत आता है घूमने के लिए। तो ये नदी में पानी भी बहुत ही है अच्छा, हम लोग थोड़ा फ़ोटो क्लिक करेंगे फिर निकल जाएंगे। तो आप लोग नज़ारा देख ही सकते हैं। गाड़ी हम लोग वहाँ रखा हुआ है, मतलब निकल रहे हैं हम लोग गोवर्धन से। ये है गरुबथन गवर्नमेंट कॉलेज, तो अभी हम लोग पहुंचे आई लव गरुबथन के पास। ये रहा गरुबथन, काफ़ी दूरी है गरुबथन पे, मेन एरिया जो गरुबथन है वहाँ से थोड़ा सा दूर है, वो नीचे देख सकते हैं, नीचे का जितना एरिया है वो सब गरुबथन है। ये सब वो इधर से सामने से भी दिखाएंगे आपको व्यू उस साइड से। तो अभी हम लोग गरुबथन आई लव गरुबथन के यहाँ आए, तो इसके बाद में हम लोग चले जाएंगे घर। वो ये काफ़ी ऊपर है गरुबथन के, नीचे देख सकते हैं पूरा, वो पूरा गरुबथन का एरिया है नीचे। काफ़ी अच्छा प्लेसेस है यहाँ पे, इधर ये छोटा फागू बोल के जगह है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा प्लेस है, वो देख सकते हैं गरुबथन नीचे, काफ़ी हाई अल्टीट्यूड में है यहाँ पे। ये देख सकते हैं गरुबथन नीचे, काफ़ी नीचे है वो सामने का ही नदी है, वो उस नदी में हम लोग गए हुए थे। तो फिर हम लोग निकल जाएंगे। तो आज के लिए हमारा वीडियो बस इतना ही,
जाने के थोड़ा सा वीडियो बनाएंगे जाते जाने का। तो आज का वीडियो गुरुवतन का था, तो कैसे लगा आप लोगों को हमें कमेंट करके ज़रूर बोले और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दिखाते ही ले जा रहे हैं।